स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज बलिया। मटन वर्मा चेयरमैन प्रतिनिधि को मिल सकता है भाजपा से बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सूत्र के अनुसार यह जानकारी मिली है कि बैरिया चेयरमैन प्रतिनिधि मटन वर्मा को भाजपा बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है और यहां तक कि 2022 में भाजपा बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। मटन वर्मा चेयरमैन प्रतिनिधि ने मीडिया से सवाल किया तो मटन वर्मा ने बताया कि अगर भाजपा से कोई जिम्मेदारी मिलती है तो निर्वहन सही से करूंगा। बैरिया चेयरमैन प्रतिनिधि माता जी, हमें बैरिया नगर पंचायत अध्यक्ष हैं जी। चेयरमैन साहब, आपके कुछ दिन पहले एक विवाद हुआ था जी जी विधायक जी के साथ, आपके साथ, तो लेकर बहुत मामला है, बहुत चर्चित हुई प्रदेश में जी जी। और इस तरह से शेष नेतृत्व में ऐसे ये इतनी सूचनाएँ मिली है मीडिया को, भाई आपकी चर्चा अच्छी रही हैं और इसीलिए शेष नेतृत्व भविष्य में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है, तो क्या की जानकारियाँ है? देखिए महोदय, देखिए महोदय, हमें इस विषय में जानकारी है नहीं। अगर शेष नेतृत्व कुछ जिम्मेवारी देंगे उसे मैं कर्तव्य पूर्वक निर्वहन करूँगा और जो शेष नेतृत्व का फैसला होगा वो हमें सर्वमान्य मंजूर है जी जी। ये जिस तरह से ये सूचनाएं आ रही हैं सूत्रों के अनुसार 2022 में भी आपकी जिम्मेदारियाँ कुछ ऐसी रहने वाली हैं? जो भी जिम्मेवारियाँ शेष नेतृत्व देंगे उसको हम जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करूँगा जी जी। अभी भी जिस तरह देखा जा रहा है जैसे आपके बैरिया विधायक जी के सब कुछ आपके ऊपर दबाव अभी भी पड़ रहा है क्या? जी जी, माननीय विधायक जी का थोड़ा मानसिक संतुलन ढीला हो गया है, वो क्या कहते हैं क्या करते हैं हमको खुद नहीं मालूम चलता है, तो इसको हम नज़रअंदाज कर कर चल रहे हैं। अब आम पब्लिक भी कह रही है कि वो थोड़ा मानसिक संतुलन ढीला हो गया है, इसको लेकर नज़रअंदाज करने का ही चलना उचित है उनको। ये मामले को लेकर जहाँ तक मीडिया को संज्ञान में आया है तो 2022 में विधायक जी को जिम्मेदारी देने के लिए इनकार कर रही है। इस मामले में हमको जानकारी नहीं है, इस मामले में हमको अनभिज्ञ हैं, ये बात हम जानते नहीं हैं। तो क्या आपको अगर जिम्मेदारियों को देती है? जो भी पार्टी नेतृत्व देगी उस जिम्मेदारियों को मैं ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। पार्टी की तरफ से ये भी एक फरमान आया है भाई बैरिया चेयरमैन एक छोटे का चाहते हैं, परंतु उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी जमकर लड़ाई लिया सामने की। देखिए, इसमें कास्ट का कोई मतलब नहीं है, ये स्वतंत्र भारत है, इसमें हर एक व्यक्ति को आज़ादी का अधिकार है, स्वतंत्र है, अपनी बात रख सकता है। जिस तरह से हमें प्रताड़ना हुआ, मैंने अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से, पार्टी अध्यक्ष जी से हमने अपनी बात रखी, उनसे मुलाकात भी किया, आश्वासन भी मिला हमें और उस आश्वासन के आधार पर हम एकदम संतुष्ट हैं जी जी। अभी आप कुछ चाहते हैं जी चैनल के द्वारा, आपके द्वारा कुछ कहा जाएगा जी? नहीं, हमारे द्वारा कोई चैनल का आशीर्वाद बना रहे हैं, बस आपका सहयोग। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।